हेलो मेरे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नई अच्छी सी बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर, प्यासा कौवा। ठीक है, तो आज मैं अब आपको क्या सुनाऊंगी, प्यासा कौवा। सबने सुना होगा ना इस वाली पोएम को। देखिए ये क्या है, दिस इज क्रो कौवा। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो? ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्लैक कलर। एंड वॉट इज दिस? घड़ा या पॉट। ठीक है, घड़ा या पॉट। ओके, अब देखते हैं क्या है। एक कौवा प्यासा था। ठीक है, एक कौवे को क्या लगी थी? प्यास लगी थी, उसे पानी नहीं मिल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। फिर घड़े में पानी थोड़ा था। फिर जब वो घूम रहा था इधर से उधर, उधर से उधर, कि कहीं उसको पानी मिल जाए मिल जाए, तो उसने उसको क्या दिखाई दिया? एक घड़ा दिखाई दिया। फिर वो उड़ करके गया और घड़े पर बैठा, और उसने अंदर जब झांका तो देखा घड़े में पानी बहुत थोड़ा है और उसकी चोंच वहाँ पानी तक नहीं पहुँच सकती जिससे वो पानी पी सके। तो उसने क्या क्या किया, कौवे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कौवे ने डाला कंकर। और कौवे ने वहाँ देखा कि बहुत छोटे छोटे से क्या पड़े हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से कंकड़ पड़े हुए हैं। तो उसने उन कंकड़ों को अपनी बीक से उठाता, फिर उड़ता घड़े पे आता और उसको अंदर डाल देता। फिर जाता दूसरा कंकड़ उठाता और अपनी बीक में चोंच में फंसाता और फिर लाके उसको घड़े में डाल देता। ऐसे करके उसने काफ़ी सारे कंकड़ उसके अंदर डाल दिए और फिर पानी आया ऊपर। जब बेटा कंकड़ उसमें पड़ते चले गए तो पानी धीरे 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 ऊपर आता गया और कौवे ने पिया पानी। ऐसे खत्म हुई कहानी। और जैसे ही पानी ऊपर आया वैसे ही कौवे ने जल्दी से पानी पिया और कहानी खत्म हो गई। कौवा पानी पीकर उड़ गया, है ना? कौवा पानी पीकर उड़ गया। ठीक है, चलिए। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। कौवे ने पिया पानी, ऐसे खत्म हुई कहानी। ठीक है, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, ऐसे खत्म हुई कहानी। ओके चिल्ड्रन, इट्स वेरी इजी एंड बहुत अच्छी और बहुत सरल कविता है। जल्दी से आप सब लोग इसको लर्न याद करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।